It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. मुतहदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी के रुकन रज़ा हारून ने कहा है कि बलदियाती निज़ाम में बेहतरी के लिए इंतखाबात की तारीख में मजीद तौसी कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एमकेएम 2001 का बलदियाती निज़ाम चाहती है, तहम निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। रज़ा हारून ने कहा कि मौजूदा मुल्की हालात में बलदियाती निज़ाम बड़ी तब्दीली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनका कहना था कि मुल्क को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के सदर के जनरल डॉक्टर आरिफ अल्वी ने कहा कि दोनों जमातें शहर में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के वाकयात की आजादाना और शफाफ तहकीकात चाहती हैं। उनका कहना था कि कराची के अवाम दहशतगर्दी और खौफ की सियासत का खात्मा चाहते हैं। इस मौके पर एमकेएम और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद थे। किसी भी नाम से मुल्क दुश्मन अनासिर को उनकी साजिशों में नाकाम बनाया जाए और वक्त की जरूरत यह है कि हमें वी हैव टू राइज अबव आवर ओन इंडिविजुअल सेल्फ एंड वी हैव टू राइज अबव आवर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। और मुल्क जो है वो आज के इस नाजुक दौर में जो डिमांड करता है, जो पाकिस्तान की अफवाज है जिस तरीके से वो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है, सरहदों की जो सूरत हाल है वो इस बात को डिमांड करती है कि हम की सियासी जमातें मुहिद वतन कुवतें अपने इत्तेहाद के जरिए उन अफवाज पाकिस्तान को एक तो स्ट्रेंथन करें और ये बताएं कि हम उनके अंदर मुतहद हैं। जब भी कौमी इशूज की बात आएगी, पाकिस्तान के शहरी की बात आएगी, उनके हकूक की बात आएगी, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात आएगी, तो इन इशूज पर हमारे दरमियान कोई खराब नहीं है। हाँ, हम सियासी जमाते हैं, हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखते हैं, हमारे नजरियाजन हमारे नैनी तर्ज तो थोड़े बहुत मुख्तलिफ जरूर हो सकते हैं और किसी भी जमहूरी जमहूरी डेमोक्रेटिक दुनिया में तरीके का यह होता है, डेमोक्रेसी का रूल ये है कि यू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट ईच अदर आइडियोलॉजी और इख्तलाफ राय जरूर रखें, इख्तलाफात ना रखें। ये हमारा आज का मैसेज होगा और इसी मैसेज से हम आएं और हम बड़ी खुशी है कि हमें वेलकम किया गया है। अभी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इसमें इनपुट दें।